आज हम ऑर्डर करेंगे जोमेटो से 5-star रेटिंग के मोमोज और 0-star के रेटिंग के मोमोज, कौन से होंगे इनमें बेहतर, लेट्स फाइंड आउट। तो आइए जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। ये खोल लिया और यहाँ पे अपना लो टू हाई वाला फिल्टर लगा देते हैं। और सेकंड नंबर पे आया है एशियन कुक हाउस, यहीं से अपने महंगे वाले जो है अपने ऑर्डर कर देते हैं। ए हो गया जी। और अब बिल्कुल नीचे जाएंगे, ठीक है, और जो सबसे इनके जो है ना भाई साहब जिसके रेटिंग कम होंगे वहीं से ऑर्डर करेंगे। और ये दिखाया हमें एक, हाँ भाई इसके पास तो बिल्कुल भी रेटिंग नहीं है, मतलब जिसका कोई नहीं होता ना गाइस उसके हम होते हैं। तो यहीं से जो है अपने सस्ते वाले मोमोज ऑर्डर करेंगे, 0 रेटिंग वाले। और जितने प्राइस में वो एक आया था ना, यहाँ पे 2 आ जाएंगे उसी प्राइस में, ठीक है, ये डन। तो भाई जितनी देर में ऑर्डर आता है थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे भाई साहब 5-star रेटिंग वाले मोमोज, और बहुत ही महंगे हैं ये और प्रीमियम पैकिंग है इनकी। आइए इन्हें खोल लेते हैं। ओहो, और इसके अंदर से निकले हैं गाइस ये हमारे भाई साहब मोमोज। आइए इसे ओपन करते हैं। साथ में ये सॉस है और ये चॉपस्टिक है, ठीक है, हमारे 5-star रेटिंग वाले जो मोमोज हैं। टडा, चॉपस्टिक भी है इसके साथ में, क्या बात है। आइए हम भी आज शू एकदम शू जापानी हो चुके हैं भाई। सॉस में डुबाते हैं बढ़िया तरीके से और खाते हैं अपने 5-star रेटिंग वाले। इसकी आउटर लेयर ना बहुत एकदम चवानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब लचीली सी एकदम। ये मोमोज तो लग नहीं रहे, ये शायद कुछ और ऑर्डर कर दिया हमने, मतलब करे तो मोमोज ही थे, पता नहीं आ क्या गया ये। और अंदर एकदम तीखा तीखा स्वाद आ रहा है, स्टफिंग का बिल्कुल स्वाद नहीं आया मेरे को, लिटरली में कुछ भी नहीं आया। और अजीना मोटो इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही डाल रखा है जो ना मुंह के अंदर अपना वो स्वाद छोड़ते हुए जा रहा है। और 281 के 4 मोमोज है गाइस, ये लिटरली आप सोच लो, मतलब कौन कौन खाएगा, हमारे घर में तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी अगर ये मैंने ऑर्डर कर लिए तो। बट हाँ, एक फील है इसके अंदर, जैपनीज फील है इस मोमोज के अंदर, तो मे बी उसके पैसे आइए सारे के सारे। अब खोलते हैं अपने लो रेटिंग वाले मोमोज, ठीक है, वो हमारे सेम प्राइस के अंदर कितने आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब खोलते हैं अपने लो रेटिंग वाले मोमोज गाइस। इसकी पैकेजिंग आपको प्रीमियम नहीं मिलेगी, बट हाँ स्वाद में मैं बता नहीं सकता। ये देखो, एक, ये 2, और इनकी चटनी थोड़ी बिखर गई है गाइस, बट ये वाली ठीक है। ओह ये भी ठीक है। ये देखो भाई, टैडा, ये हमारे भाई लो रेटिंग वाले मोमोज, ये देख लो जी भाई, इसे कहते हैं भाई मोमोज, उसको तो पता नहीं क्या बोलते हैं ये अंग्रेजी वाले, है ना। और इसको भी खोल लेते हैं अपनी चटनी को गाइस। तो आइए इसको अब खाना शुरू करते हैं, इसका कैसा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसको भी डुबोते हैं भाई चटनी में बढ़िया तरीके से। ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है ये, और ही ऊपर से डाल रखा है इन्होंने। आइए, लिटरली में इसको खा के ना मोहब्बत हो गई है। और हमारी लिस्ट में ना आज भाई साहब पक्का लो रेटिंग वाले मोमोज जीतता है, और जगह का नाम है मोमोज पॉइंट फरीदाबाद के अंदर, काफ़ी बढ़िया थे। और ये तो मुझे पता नहीं कुछ अजीब से ही लगे, और इसने तो मेरा भाई दिल जीत लिया भाई, दिल गदगद हो गया। और मुँह में जाके ना भाई मोमोज इतने प्यार से घुले ना, लिटरली मेरे पास भाई शब्द कम है इसकी तारीफ के लिए यहाँ पे आज। मैं तो हैरान हूँ भाई इसके बाद रेटिंग क्यों नहीं है, इसे रेटिंग दो भाई, इसे ऊपर चढ़ाओ, ठीक है। तो आज हमारी लिस्ट में भाई साहब पैसों के मामले में, टेस्ट के मामले में जीतते हैं हमारा लो रेटिंग वाले मोमोज। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन से पसंद है, लो रेटिंग वाले या फिर हाईएस्ट रेटिंग वाले। जब तक के लिए बाय बाय।